पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने लोगों को कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जहां लोगों को मुफ्त मास्क बांटे, वहीं लोगों को मास्क जरूर पहनने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि यह मुहिम पूरा सप्ताह जारी रहेगी। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने आज नंगल में निःशुल्क मास्क बांटने की मुहिम का आगाज करते हुए लोगों से अपील की कि ये बीमारी अमीर गरीब में फर्क नहीं देखती और ये भी देखा गया है कि नंगल सहित पूरे जिला रूपनगर में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीमारी से बचने का सबसे सरल ढंग है मास्क पहनना व सामाजिक दूरी को बनाए रखना, और हम ईमानदारी से ये दोनों प्रयास करते रहे तो संभव है इस बीमारी से पार पाना। उन्हें समाज सेवी व धार्मिक संगठनों को भी खुलकर इस मुहिम के साथ जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि चेकोस्लोवाकिया एक ऐसा देश है जिसमें मात्र मास्क व सोशल डिस्टेंस का पालन कर ही इस बीमारी पर जीत दर्ज कर ली। उन्होंने नंगल में कंटेनमेंट व माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए इलाकों में किसी भी तरह की राहत ना देने की बात कहते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में और सख्ती बढ़ाई जाएगी। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस नंगल के अध्यक्ष संजय सानी, सुरेंद्र बम्मा, कपूर सिंह व राकेश नैयर इत्यादि भी उपस्थित थे। सुने इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए राणा केपी सिंह ने क्या कहा। कोरोना का बड़ा भयानक रूप देखने विच मिल रहा है। साडा जिले साडे शहर नंगल दे विच इस वेले बहुत सारे केस कोरोना दे आ गए। दुनिया के अंदर कोरोना की लड़ाई लड़न वास्ते सिर्फ दो चीज़ा है, एक मास्क ते दूजा समाजिक दूरी। दुनिया का एक मुल्क है चेकोस्लोवाकिया, उन्हें दो चीज़ा नाल एक समाजिक दूरी दूजा मास्क पहन के कोरोना नू हरा दिता। हिंदुस्तान के अंदर साढ़े सूबे के अंदर जे मास्क नहीं पहनांगे, समाजिक दूरी नहीं रखांगे, तो जो कहर अज नंगल दे विच वापर रहा है आने वाले समय का अंदाजा ला लो। मैं फैसला किया, साड़ी पार्टी साढ़े साथी आने वाला एक हफ्ता रोज़ मास्क बनांगे, इस करके बनांगे कि लोगों से जागरूकता आए, लोगों नूं मास्क बारे पता चले। सो थोड़े राही प्रेस राही मैं अपने शहर के लोगों नूं अपील करदा कि लोगो जान है तो जहान है, शहर नूं बचा लो। शहर बचेगा तां ही जे इहनूं सीरीअसली लवांगे, समाजिक दूरी बना के रखांगे, मास्क पहनांगे। सो उहदा अज असीं रस्मी तौर ते शुरुआत इत्थे कीती है। एक हफ्ता लगातार असी रोज़, मैं मेरे साथी किते ना किते कदे आनंदपुर, कदे कीरतपुर, कदे फरतगढ़, कदे कनौली, जिथे भी टाइम लग्या असी लोगों नूं मास्क बंड के इस महामारी बारे जागरूक करा। अपना फर्ज निभाना है, एक्शन लेना सरकार का काम है, पुलिस का काम है, अफसर का काम है, वह भी लैणगे, पर साडा काम है लोगों नूं जागरूक करना। असी इस नीयत नाल अज ये काम शुरू किया कि औखे वेले राजनीतिक लोगों समाजिक संस्थावां नूं अंदर नहीं बढ़ना चाहिए, औखे वेले बाहर निकल के लोगों नूं राह दसना चाहिए, राह दसेरे बनना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, असी सख्ती करांगे, आने वाले दिनों च होर सख्ती करांगे। असी लोग मरन नहीं देने, लोगों की जान बचाना सरकार का फर्ज है, साडा फर्ज है। असी अवेयरनैस भी करांगे, लोगों नूं दसांगे भी, पर जो कदम उठाना पिया वो भारत सरकार दी गाइडलाइन के मुताबिक उठावा। कि मैं अपील करदा लोगों नूं कि बाहर निकलो, अपनी सैंपलिंग कराओ, शर्माओ ना। बहुत सारे केस इस करके खराब हो गए कि लोगों ने समय से डॉक्टर नूं दस्या नहीं, डॉक्टरी इलाज नहीं लिया, सैंपलिंग नहीं करवाई, इस करके आओ बाहर निकलो, सैंपलिंग करवाओ। सिटी हलचल के लिए नंगल से पंकज भाटिया के साथ करण चोपड़ा की रिपोर्ट।